वेलकम टू कनेनिक्स। एमएस एक्सेल और पावर बीआई के तमाम इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से पावर क्वेरी एक टॉप ऑफ द लिस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि आपको डेटा हैंडलिंग में बहुत ही आसानी मुहैया करता है और अपने टाइम को जाया किए बगैर आप पावर क्वेरी को यूज करते हुए डेटा को इजीली हैंडल कर सकते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस जो है अपने डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पावर क्वेरी को दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। एक एग्जाम्पल आपकी वेब पेज को एमएस एक्सेल के साथ लिंक करके हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं, और उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल आपकी बिजनेस रिलेटेड डेटा को एमएस एक्सेल की जो वर्कबुक है उसके जरिए से किस तरीके से पावर क्वेरी में एडिट करके और डेटा हैंडल करके उस डेटा को आप एमएस एक्सेल के साथ किस तरीके से लिंक करके विद द पैसेज ऑफ टाइम अपग्रेड करके चेक कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स डाइव इनटू टुडेज लेक्चर। वेब स्क्रैपिंग की एग्जांपल के लिए जो हमारे पास डेटा सेट मौजूद है वो है 2020 समर ओलंपिक्स मेडल टेबल। इस समर ओलंपिक्स मेडल टेबल में जो मेडल विनिंग टेप का डेटा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक कंट्रीज, जिसमें ये यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, आरओसी और कुछ और भी कंट्रीज मौजूद हैं। इस डेटा सेट को हम लिंक करेंगे पावर क्वेरी के जरिए से एमएस एक्सेल के साथ और देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। सो हम इस डेटा सेट का जो यूआरएल एड्रेस है वो यहां से भी कॉपी कर सकते हैं और मैंने ये एमएस एक्सेल में भी ये डेटा सेट का यूआरएल एड्रेस जो है वो कॉपी कर लिया। इसके लिए हमने क्या करना है, जो यूआरएल एड्रेस है इस वेबसाइट का, इस वेब पेज का, विकिपीडिया का जो वेब पेज है, इस वेब एड्रेस को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे हमारे पास ये जो एमएस एक्सेल में डेटा टैब है, डेटा टैब में यहाँ पे पावर क्वेरी के लिए जो टूल बार ग्रुप्स हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ से हम गेट डेटा में जाके और फ्रॉम फाइल्स, फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम रिसोर्स, फ्रॉम ऑनलाइन सर्विसेज और अदर सोर्सेज हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास गेट डेटा के अलावा फ्रॉम टेक्स्ट, सीएसवी और फ्रॉम वेब भी मौजूद है। हम यहाँ से भी फ्रॉम वेब पे क्लिक करके इस डेटा सेट का जो यूआरएल एड्रेस है इसको कॉपी कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज यहां से गेट डेटा में जाके फ्रॉम अदर सोर्सेज से फ्रॉम वेब में जाके भी डेटा सेट का जो यूआरएल एड्रेस है पेस्ट कर सकते हैं। यहां पे मैं इसको पेस्ट करता हूं और पेस्ट करने के बाद इसको बेसिक पे ही रहने देंगे और ओके पे क्लिक करता हूं तो थोड़ा टाइम लेने के बाद कनेक्ट कर रहा है जी ये। थोड़ा टाइम के बाद यहाँ पे हमारे पास ये एक पॉपअप पेज शो हो जाएगा जिसमें हमारी फाइल जो है विद रिस्पेक्ट टू डेटा जो कि विकिपीडिया के वो 2020 समर ओलंपिक्स के मेडल्स का जो टेबल है उससे लिंक कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टेबल्स आ गए हैं जो कि तमाम टेबल्स उस ओलंपिक्स मेडल टेबल के पेज पे मौजूद थे। यहाँ पे अगर हम इस पे टेबल वन पे क्लिक करें तो ये हमारे पास टेबल वन में जो डेटा सेट है वो शो होगा, टेबल टू में, टेबल थ्री में, बट वी जस्ट नीड टू यूज 2020 समर ओलंपिक्स मेडल टेबल। तो हम ये जो 2020 समर ओलंपिक्स मेडल टेबल है इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस टेबल में मौजूद वो डेटा सेट जो था उस पेज पे वो सारे का सारा यहाँ शो हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जापान के साथ स्टार लगा हुआ है, इसके अलावा रैंकिंग में जाए तो 36 के बाद नल है, 39 के बाद नल है और 42 के बाद नल, और इसी तरीके से डिफरेंट रोज में जो है नल मौजूद है और जापान के साथ सम केसेस में यहाँ पे स्टार का साइन मौजूद है। तो करना क्या है, हमें इस डेटा को क्लीन करने की जरूरत है, रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे हमने यहाँ पे जस्ट ये टेबल जो है सिंगल टेबल सिलेक्ट किया है। तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने के बाद हमारा कुछ टाइम के बाद ये पावर क्यूरी एडिटर का पेज जो है इंटरफेस वाला वो ओपन हो जाएगा और इसमें हम अपने डेटा को विद द हेल्प ऑफ पावर क्यूरी एडिटर डेटा को क्लीन कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं जो कि उस टेबल में अवेलेबल था। पावर क्वेरी के इस इंटरफेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे फाइल, होम, ट्रांसफॉर्म, एड कॉलम्स, व्यू जैसी टैब्स मौजूद हैं और इनके साथ साथ यहाँ पे हर टैब में नंबर ऑफ डिफरेंट टूल बार ग्रुप्स मौजूद हैं। हर टूल बार ग्रुप में सेम लाइक एमएस एक्सेल डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास वो तमाम टेबल्स आ जाएंगे जो हमने पावर क्वेरी एडिटर में लोड किए हैं और इसके दरमियान में हमारे पास वो टेबल मौजूद होता है, वो डेटा सेट मौजूद होता है जिसको हम क्लीनिंग के लिए लोड कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में हमें प्रॉपर्टीज में नेम का एक एडिटेबल फॉर्म में एक फील्ड नजर आती है जिसमें हम नेम जो होता है फाइल का उसको एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। इस इंटरफेस के राइट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे नेम वाले
फील्ड के बाद हमें अप्लाइड स्टेप का फील्ड नजर आता है। इस अप्लाइड स्टेप्स में क्या होता है, जो आप स्टेप बाय स्टेप अपने डेटा को क्लीन करने के लिए प्रोसेस करते हैं, वो सारे का सारा आपके पास इस अप्लाइड स्टेप्स वाले फील्ड में शो होता है। आप इस डेटा सेट को क्लीन करने के दौरान जो भी स्टेप्स परफॉर्म करते हैं उनको आप अंडू भी कर सकते हैं। अंडू करने के लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे स्टेप को आके डिलीट कर देते हैं, तो आपका जो स्टेप परफॉर्म किया होता है वो अंडू हो जाता है। ये है आपका मेन इंटरफेस। अब बात करते हैं अपने डेटा को क्लीन करने की। तो डेटा को क्लीन करने के लिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो उस डेटा सेट में जैसे स्टार मौजूद है और कुछ यहाँ पे नल मौजूद है। अब हम वन बाय वन इस डेटा सेट को एडिट करके क्लीन करने की कोशिश करते हैं। कैसे क्लीन किया जाता है जी, पावर क्यूरी एडिटर हमें बहुत ही आसानी मुहैया करता है अपने डेटा सेट को क्लीन करने के हवाले से। सो सबसे पहले हम अपने ये एनओसी में जाते हैं। एनओसी क्या होता है जी, नंबर ऑफ कंट्री। अब नंबर ऑफ कंट्री में अगर हम सबसे पहले इसका नेम एडिट करना चाहें तो उसके लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ इस हेडिंग में और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्री आपकी ईज के लिए। अब कंट्री लिख दिया। सेकंड थिंग, हम यहाँ पे जापान जहां पे आ रहा है उसके साथ स्टार शो हो रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ये जो स्टार जहां जहां पे भी इस डेटा सेट में आ रहा है वो स्टार मेरा रिमूव हो जाए, स्टार की जगह पे एम्प्टी स्पेस आ जाए या हमारा जापान जो है वो सिंपल नेम के तौर पे शो हो। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे इस सेल पे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी मैं रिप्लेस वैल्यू कर सकता हूँ। अब इस स्टार को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ये सेम वो मेथड है जो हम फाइंड एंड रिप्लेस वाला मेथड एमएस एक्सेल में डेटा को एडिट करने के लिए यूज करते हैं। बट पावर क्वेरी में हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें हम शॉर्टकट की नहीं यूज कर सकते। हम यहाँ पे अगर सेल पे राइट क्लिक करके रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो जस्ट ये जो हमारे पास पॉपअप पेज आएगा इसमें हम इस वैल्यू को जस्ट इस सेल से एडिट करके अपडेट कर सकेंगे। बट हमें इस सेल में नहीं अपडेट करना, हमें इस पूरे कॉलम में मौजूद या इस पूरी फील्ड में मौजूद जहां जहां पे भी स्टेरिक आ रहा है उसको रिमूव करना है। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे इस कॉलम की हेडिंग पे क्लिक करते हुए राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करता हूँ। एज आई क्लिक ऑन रिप्लेस वैल्यू, तो रिप्लेस वैल्यू के लिए वो हमें दो ऑप्शन देता है, सेम एज एम एस एक्सेल में जो फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी वैल्यू टू फाइंड, कौन सी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। मैं इसको रिकमेंड करता हूँ जी स्टार आपने फाइंड कर लेना है और रिप्लेस किसके साथ करना है, कोई हम उसको स्पेस नहीं देना चाहते। तो हम इसको कुछ भी टाइप किए बगैर जस्ट ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास जितने भी जापान नेम के साथ यहाँ पे स्टार शो हो रहा होगा और उसके अलावा जिस भी सेल में हमारे पास स्टार शो हो रहा होगा वो ऑटोमेटिकली हर सेल में से रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ पे इस पूरी जो कॉलम है इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपके पास जो स्टार होगा इस पूरी की पूरी फील्ड में वो रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस अप्लाइड स्टेप्स वाले फील्ड में पहले हमने रीनेम किया कॉलम को, वो ये आ गया। उसके बाद रिप्लेस वैल्यू की, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस स्टेप को अंडू करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस स्टेप के ऊपर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आप यहां से डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो आपका स्टेप वो अंडू हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि यहां पे स्टार दोबारा शो हो जाएगा। बट आई रिपीट दैट स्टेप अगेन बाय क्लिकिंग द रिप्लेस वैल्यू स्टार एंड ओके और यहां से स्टार रिप्लेस हो जाएगा और वो रिमूव हो। अब मैं यहां पर यह चाहता हूं कि ये जो 36 के बाद नल है, 39 के बाद नल है, ये क्या चीज है। सबसे पहले हम उसी URL एड्रेस पे जाते हैं जो कि वेब पेज का था। वेब पेज पे जाने के बाद यहाँ पे मैं सेम लाइक 36 रो में जाता हूं और अगर मैं 36 रो में जाऊं तो यहाँ पे ये है रैंकिंग का ऑप्शन और नंबर ऑफ कंट्रीज, यानी कि रैंक किया गया है डिफरेंट कंट्रीज को विद रिस्पेक्ट टू मेडल्स अर्न। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि ग्रीस और युगांडा दोनों की सेम रैंकिंग है विद रिस्पेक्ट टू जो उन्होंने गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अर्न किए। तो इसका मतलब ये है कि दो कंट्रीज सेम रैंक पे। अब सेम लाइक दैट 39 पे, 42 पे, 46 पे, 50 पे और 56 पे, 59 पे, कुछ इसी तरीके से रैंकिंग मौजूद है। अब जाते हैं जी हमारी पावर क्वेरी एडिटर पे और यहाँ पे इस फील्ड पे हम उस फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे।
ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाने के बाद एनी कॉलम्स में, जिस भी कॉलम में डेटा सेट में आप एडिटिंग करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं डेटा को, तो हम यहां पे इस कॉलम को सिलेक्ट करके इस फिल पे जाएंगे और फिल डाउन पे क्लिक कर देंगे। फिल डाउन पे क्यों क्लिक करना है, क्योंकि ऊपर से नीचे जो रैंकिंग शो की गई है। अब फिल डाउन पे क्लिक करता हूं तो अगर मैं यहां पे आपको 36 पे लेके जाऊं तो यहां पे 36 आपका जो रैंक है वो शो हो रहा है और उसके बाद युगांडा का भी 36 शो हो रहा है। पहले 36 युगांडा के रिस्पेक्टिव में नल शो हो रहा था, लेकिन यहां पे अब युगांडा के साथ 36 ही शो हो रहा है। सेम लाइक दैट इन 42 दोनों जो है कंट्रीज भूमास और कोसोवो में दोनों के साथ 42 ही शो हो रहा है। अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि पहले जहां पे सेम रैंकिंग थी वहां पे एक में रैंक शो हो रहा था और दूसरे जो सेल है उसमें नल शो हो रहा था। अब यहां पे हर आपके नेम ऑफ कंट्री से रिलेटेड हर सेल के रिस्पेक्टिव जो रैंकिंग है वो शो हो रही है, चाहे वो सेम रैंकिंग है चाहे वो डिफरेंट रैंकिंग है। अब मैं यहां पे ये चाहता हूं कि गोल्ड मेडल जो टोटल से उसकी परसेंटेज देखूं कितने परसेंटेज आती है सिल्वर की और ब्रोंज की। परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, नंबर ऑफ वन मेडल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेडल्स मल्टीप्लाई बाय 100। बट मल्टीप्लाई बाय 100 करने से पहले हमें नंबर ऑफ वन मेडल को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ टोटल मेडल्स पे। तो उसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम गोल्ड मेडल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो गोल्ड मेडल्स वाले कॉलम में मौजूद डेटा है उस पूरे के पूरे इंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं बाय क्लिकिंग कंट्रोल, बट हम टोटल नंबर ऑफ मेडल्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने करना है ऐड कॉलम, क्योंकि ये जो दोनों डिवाइड करके हमें किसी और कॉलम में, नए कॉलम में चाहिए ना डेटा, तो नए कॉलम में डेटा ऐड करने के लिए हम ऐड कॉलम पे जाएंगे। एड कॉलम पे जाने के बाद अब हमने डिवाइड करना है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेशंस में डिवीजन का ऑपरेशन मौजूद है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिवाइड पे क्लिक करेंगे, तो डिवाइड पे क्लिक करने से आपके पास यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आंसर इस नए कॉलम में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज फॉर्मेट के लिए हम इस कॉलम के हेडिंग पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक, और करने के बाद हम चेंज टाइप पे जाएंगे। चेंज टाइप पे जाने के बाद हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो इस कॉलम में डेटा होगा वो परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पे चूंकि हमने गोल्ड मेडल्स की परसेंटेज देखी है, तो इसको मैं यहां पे नेम दे देता हूं गोल्ड मेडल्स परसेंटेज। यहां पे ये गोल्ड मेडल्स की परसेंटेज आ गई। अब हम रिपीट करते हैं सिल्वर मेडल्स के लिए, सिल्वर मेडल्स के लिए अगेन सिल्वर मेडल्स टोटल्स एड कॉलम्स फॉर्म नंबर्स स्टैंडर्ड डिवाइड। अब यहां पे ये जो डिवाइड किया हुआ रिजल्ट आ गया है इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, चेंज टाइप परसेंटेज, और ये हमारा डेटा आ जाएगा। और ये डेटा जो है इसको मैं अगर हेडिंग को चेंज कर दूं तो ये सिल्वर मेडल्स परसेंटेज आ। अब इसी तरीके से हम ब्रोंज मेडल्स के लिए परसेंटेज देखते हैं, ब्रोंज मेडल के लिए ब्रोंज मेडल का कॉलम कंट्रोल, टोटल मेडल्स का कॉलम ऐड कॉलम, और फ्रॉम नंबर से स्टैंडर्ड पे जाके डिवाइड, नया कॉलम आ गया, इसको हम चेंज टाइप में जाके परसेंटेज फॉर्म पे क्लिक कर देंगे और इसको मैं एडिट कर देता हूं। ये है जी ब्रोंज मेडल्स परसेंटेज। इस तरीके से आपका डेटा जो है वो आपके पास आ जाएगा, जिसमें हमने गोल्ड सिल्वर और ब्रोंज मेडल्स की परसेंटेज भी निकाल ली है, और यहाँ पे जो डेटा में कोई इश्यूज थे लाइक स्टेरिक और उसके अलावा कुछ नल फील्ड्स थी हमने उनको सेट डाउन कर लिए। उसके बाद एक और चीज, यहाँ पे जब आप डेटा एनालिसिस के लिए डेटा यूज करते हैं जो कि क्लीन किया होता है, उसमें आपको ये लास्ट में जो रो नजर आ रही है टोटल एंट्रीज की वो जरूरी नहीं होती। तो इस रो को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए बहुत इजी है, आप यहाँ पे फिल्टर्स पे क्लिक करें। फिल्टर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लास्ट पे टोटल 93 एंट्रीज पे
अनचेक कर दें और ओके पे क्लिक करें तो आपकी जो लास्ट रो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अब आपने डेटा को क्लीन कर लिया है, डेटा को एडिट कर लिया है और डेटा को अपडेट करने के लिए, लोड करने के लिए जो एम एस एक्सेल की फाइल है रेडी कर लिया है। और यहाँ पे जो आपने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं वो आपको यहाँ पे राइट साइड पे नजर आ रहे हैं और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने कौन कौन सा स्टेप परफॉर्म किया है डेटा को क्लीन करने के लिए। जब आपका डेटा क्लीन हो जाए और आप इस चीज के लिए अग्री करते हो कि अब आप इसको एम एस एक्सेल की शीट पे लोड करने के लिए रेडी हैं, तो इस डेटा को लोड करने का बहुत ही इजी तरीका है। उसके लिए आपने क्या करना है, होम टैब पे जाके आपके पास क्लोज वाला जो टूल बार ग्रुप है उसमें क्लोज एंड लोड का ऑप्शन है, आपने सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस टूल पे मैं क्लिक करता हूँ क्लोज एंड लोड पे और मेरा डेटा जो है थोड़ा टाइम लेने के बाद यहाँ पे चेक करें कि लोड हो रहा है, एमएस एक्सेल की शीट पे लोड हो जाए। कुछ टाइम के बाद आपके पास ये डेटा सेट जो है वो टेबल की फॉर्म में आ गया। बट द थिंग इज यहाँ पे जो गोल्ड मेडल की परसेंटेज है, दिस वन सिल्वर मेडल परसेंटेज और ब्रॉन्ज मेडल्स परसेंटेज, ये जो है आपकी परसेंटेज फॉर्म में नहीं है, ये आपका डेटा जो है वो डेसिमल नंबर की फॉर्म में है। तो हमें इसकी टाइप को चेंज करना होगा, उसके लिए हम होम पे जाएंगे, इन तीनों को शिफ्ट प्रेस करके तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे और डेटा टाइप में यहाँ पे जाके परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जो यहाँ पे है वो परसेंटेज की फॉर्म में आ जाए। अब ये जो डेटा है वो आपका क्लीन डेटा है और आप इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस डेटा सेट को अपडेट करना चाहते हैं और रिफ्रेश करके चेक करना चाहते हैं आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर फ्यू टाइम, तो आप क्या कर सकते हैं, यू नीड टू सिलेक्ट एनी सेल ऑफ डेटा, किसी भी सेल को जो आपका डेटा सेट है उसमें मौजूद किसी भी सेल पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद क्वेरी पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास लोड वाले ऑप्शन में रिफ्रेश का ऑप्शन है, रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा थोड़ा टाइम लेने के बाद रिफ्रेश होकर अपडेटेड फॉर्म में आ जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लोड हो रहा है। लोडिंग डेटा के बाद यहाँ पे आपका रिफ्रेश डेटा, अपडेटेड डेटा जो आपने लिंक किया है इस वेब पेज के साथ वो आपको शो हो जाए। ये जो अब आपके पास डेटा आया है ये टेबुलर फॉर्म में है, इस टेबुलर फॉर्म में डेटा को आप डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज कर सकते हैं, इससे आप डिफरेंट ग्राफ्स बना सकते हैं, इससे आप डिफरेंट जो है चार्ट्स बना सकते हैं अपने डिफरेंट पर्पजेज से रिलेटेड। ये एग्जांपल थी आपकी वेब स्क्रैपिंग से रिलेटेड। अब हम बिजनेस रिलेटेड जो एग्जांपल है उसको डिस्कस करें। ये मेरे पास एक स्टाफ का डेटा है और आप किसी फॉर्म में एज अ ह्यूमन रिसोर्स एनालिस्ट है और आपको इस डेटा सेट की फाइल को एक्सेल के साथ लिंक करना है और उसको कनेक्ट करने के बाद आपको इस फाइल को एनालाइज करना है, तो आप किस तरीके से करते हैं हम चेक करते हैं। वापस जाते हैं हमारी उसी फाइल में जिसमें हमने वेब स्क्रैपिंग की एग्जांपल को सॉल्व किया है और इसको लिंक किया है अपने एम एस एक्सेल की शीट के साथ। पहले हमने डेटा में जाके लिंक किया था फ्रॉम वेब के साथ, बट अब हम यहाँ पे गेट डेटा से फ्रॉम फाइल्स में जाके फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये पॉपअप पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो फाइल है हम फाइल की लोकेशन से उस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास नेविगेटर आ, नेविगेटर में आने के बाद हमने ये स्टाफ के डेटा पे क्लिक किया तो मेरे पास ये टेबल जो है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ जेंडर में प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ सेल्स में नल आ रहा है और कुछ डिपार्टमेंट के नेम्स में एरर आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर की सेम इंटरफेस ओपन हो जाती है जैसे हमने समर ओलंपिक्स मेडल के डेटा सेट के अकॉर्डिंग पावर एडिटर पे वर्क किया था। सेम इंटरफेस है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेट्स गेट इनटू इट। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, जेंडर है, डिपार्टमेंट, सैलरी, स्टार्ट डेट, एफटीई, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय टाइप है, वर्क इक्वेशन है और ये हमारे पास सारे का सारा डेटा सेट मौजूद है। अब इस डेटा सेट को अगर हम स्कैन करें यानी कि चेकआउट करें, इसको ओवरव्यू करें, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नेम्स में अनइवन जो स्पेसिस है, जैसे लीना से पहले स्पेस आई हुई है और इसके साथ साथ और भी कुछ है हमारे पास नेम, जैसे ये वाला नेम है इससे पहले स्पेस आई हुई है, तो हमने इन स्पेसिस को चेकआउट किया। उसके बाद यहाँ पे जेंडर में सम सेल्स में जो है नल शो हो रहा है, हालांकि जेंडर मेल फीमेल होता है, इसके अलावा नल नहीं होता,
तो नल शो हो रहा है, आई थिंक सो ये उनसे रिलेटेड है जिन जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपने जेंडर को शो नहीं किया। उसके बाद डिपार्टमेंट नेम्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिलेटेड टू सम क्वेश्चन मार्क्स, तो कुछ डिपार्टमेंट्स के नेम्स की जगह पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और सैलरी की जगह पे कईयों की सैलरी नल लिखी हुई है, कई सेल्स में जीरो लिखा हुआ है, इसको सेट करना है। डेट का जो है फॉर्मेट वो देखेंगे। उसके बाद फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय टाइप है, परमानेंट है, क्या है, और वर्क लोकेशन है। अब हम इस डेटा को सेट करते हैं। अब डेटा को सेट करने के लिए सबसे पहले हमने जो देखा है वो ये है कि नेम्स में हमारे पास अनइवन स्पेसेस है। अनइवन स्पेसेस को हम किस तरीके से करेक्ट करते हैं और अनइवन स्पेसेस को हम किस तरीके से खत्म करते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके लिए ट्रिम फंक्शन यूज होता है। तो हम इस फंक्शन को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम की हेडिंग पे राइट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म पे जाके ट्रिम पे क्लिक करता हूं तो तमाम जो अनइवन स्पेसेस थी और नेम से पहले स्पेसेस थी, नेम्स के बाद में स्पेसेस थी, या दो नेम्स के दरमियान में मल्टीपल स्पेसेस थी, वो ट्रिम के फंक्शन के साथ खत्म हो जाएंगी और एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ नेम प्लेस हो जाएंगे सारे। सेकेंड थिंग, जेंडर के कॉलम में यहां पे हमारे पास नल आ रहा है। हाउ टू सेट दिस नल? अब नल की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को सिलेक्ट करें, करने के बाद राइट क्लिक करें और हम यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू पे चले जाते हैं, क्योंकि हमने नल को रिप्लेस करना है किसी मीनिंगफुल वर्ड के साथ। तो यहाँ पे मैं कह देता हूं जी रिप्लेस करना है नल को, किसके साथ करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं मिसिंग या मेंशन नॉट पे। नॉट मेंशन अगर मैं लिख दूं, इससे ये होगा कि इससे ये पता लगेगा कि इन वर्कर्स ने अपनी जेंडर को मेंशन नहीं किया। नॉट मेंशन लिखने के बाद ओके पे क्लिक करते हैं, तो जहां जहां पे नल आ रहा था उन उन सेल्स में नॉट मेंशन टाइप हो जाए। आप इस चीज को अप्लाइड स्टेप्स में भी देख सकते हैं कि आपने जो स्टेप्स परफॉर्म किए। बार बार बता रहा हूं वो ये काम कि अगर आप किसी एक सेल में चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो जस्ट अ सिंगल सेल पे राइट क्लिक करके आप उसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं या उसमें अपडेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे कॉलम को एडिट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक स्टेप्स, तो आपको उसके लिए पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके रिप्लेस करना होगा या उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा या उसको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको अपग्रेड करना होगा। उसके बाद डिपार्टमेंट नेम्स में अगर हम आए तो डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे कुछ जो है ट्रिपल क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, तो उसको हम कैसे रिप्लेस करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी इसको यहाँ पे आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप ट्रांसफॉर्म पे जाएं, राइट क्लिक करने के बाद रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करें। रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एज वी सी दैट थ्री क्वेश्चन मार्क्स आर देयर, तो हम यहाँ पे थ्री क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे और इसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग के साथ, तो इसको इंजीनियरिंग लिख दें या कोई और डिपार्टमेंट लिख दें जो आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करें तो आपके वो थ्री जो क्वेश्चन मार्क्स थे उनकी जगह पे तमाम के तमाम जो क्वेश्चन मार्क्स वाले सेल्स हैं उनमें इंजीनियरिंग जो है वो टाइप होंगे। अब इस सैलरी के कॉलम में अगर हम देखें तो यहाँ पे कई सेल्स में नल लिखा है और कुछ सेल्स में जीरो लिखा हुआ है। जीरो का क्या मकसद है, जीरो मीन्स नथिंग, नल मीन्स टू नथिंग। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ से फिल्टर पे क्लिक करूं और फिल्टर पे क्लिक करने के बाद मैं नल और जीरो को अनचेक कर दूं, तो यहाँ पे ओके करने से हमारे पास नल और जो जीरो वाली वैल्यूज होंगी वो तमाम की तमाम रोज गायब हो जाएंगी, क्योंकि सैलरी से रिलेटेड अब जिनकी सैलरी जीरो है या नल है उनका इस डेटा सेट में काम नहीं है। इट मींस या तो वो काम नहीं कर रहे, या तो वो रिजाइन दे गए हैं, या तो वो छोड़ गए, कोई रीजन हो सकता है। अब यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि सैलरी का जो क्राइटेरिया है इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके इसको हम स्पेसिफिक क्राइटेरिया में हम जो है डिफाइन कर दें। यानी कि ऐसे वर्कर्स या ऐसे जो ऑपरेटर्स हैं जिनकी सैलरी अंडर 50K है उसके लिए हम 50K से लेस देन वाला कोई एक फॉर्मेट रेडी कर दें, और इसी तरीके से 50K से अबव और 100K से अबव के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे कॉलम क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे ऐड कॉलम पे, और ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग हम कोई कॉलम ऐड करते हैं इसको हम बोलते हैं कंडीशनल कॉलम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसको नेम दे देंगे सैलरी बकेट। पहले जी ये सैलरी है तो कॉलम नेम सैलरी दे दिया। लेस देन होगी अगर 50,000 से,
आउटपुट में क्या है जी, अंडर 50K एड क्लॉस, सैलरी अगर लेस देन होगी 100,000 के तो इसमें आएगी 50 to 100K, एल्स अबाव 100K आ गई। हमने ये एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दी कि सैलरी बकेट में अगर तो सैलरी आपकी की लेस देन 50K है तो आपका है अंडर 50K, अगर सैलरी आपकी लेस देन 1000K है तो आए 50 to 1000K और इसके अलावा अबाव 100K है। ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा सैलरी बकेट का एक कॉलम बन जाता है जिसमें जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी थी उसके अकॉर्डिंग ये जो सैलरी वाले ऑप्शंस हैं, सैलरी वाले कॉलम में जो आपके सैलरी वाले सेल्स हैं उनके रिस्पेक्टिव सिलेक्टेड फॉर्मेट जो है वो आ गए। आप इसको ड्रैग करके यहाँ से सैलरी वाले कॉलम के साथ रख सकते हैं। अब इस कॉलम में तमाम एम्प्लॉयज की स्टार्ट डेट है जिस डेट से उन्होंने ज्वाइन किया है इस इंडस्ट्री या इस फॉर्म। तो अगर आप इस स्टार्ट डेट से रेलिवेंट आप उनका टेन्योर चेक करना चाहते हैं कितना टेन्योर हो गया है या कितना टाइम हो गया उनको वर्किंग करते हुए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस कॉलम पे क्लिक करके एड कॉलम पे जाएं। एड कॉलम पे जाने के बाद डेट पे क्लिक करेंगे तो डेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एज पे क्लिक करना होगा बिकॉज इस डे से टिल डेट जो है वो एज आ जाएगी, वो टेन्योर आ जाएगी। अब इस एज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक कॉलम जो है वो क्रिएट हो जाता है, लेकिन ये आपका स्पेसिफिक फॉर्मेट में है और ये जो है आपका टाइम बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टार्ट डेट। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ड्यूरेशन से रिलेटेड स्पेसिफिक इयर्स ए डेज और टाइम और मंथ से रिलेटेड, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप जाएंगे एड कॉलम में ही फ्रॉम डेट एंड टाइम से ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे तो ड्यूरेशन पे क्लिक करने के साथ साथ आपको पता लग जाएगा कि इससे आप डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, आवर्स में, मिनट्स में, सेकेंड्स, टोटल ईयर्स, टोटल डेज, टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स, टोटल सेकेंड्स और मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इसको। सो अगर मैं यहाँ पे टोटल डेज पे क्लिक करूं तो ये आपका इस एज से रिलेटेड टोटल डेज जो है वो बता देता है जी कि इनकी स्टार्ट डेट से आज तक कितने डेज हो चुके हैं। आप इसको ईयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ईयर्स आ गया है। इस तरीके से आप अपने डेटा सेट में मौजूद डेट से रिलेटेड अपने जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं उनकी स्टार्ट डेट से टिल डेट तक उनका वर्किंग टेन्योर जो है चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा ये नेम का कॉलम है, हम इस नेम को अगर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइन लिखा हुआ है। अगर हम इनको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट करके डिफरेंट कॉलम्स में स्प्लिट करना चाहें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्प्लिट कॉलम है, स्प्लिट कॉलम पे क्लिक करते हैं आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनमें बाय डिलिमिटर है, बाय नंबर और करेक्टर है, बाय पोजीशन है, बाय लोअर केस टू अपर केस, अपर केस टू लोअर केस, डिजिट्स टू नॉन डिजिट्स, नॉन डिजिट्स टू डिजिट्स। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सेपरेटर से रिलेटेड। सेपरेटर क्या होता है, आपका डिलिमिटर ही उसको कंसिडर किया जाता है जो कि आपके दो नेम्स के दरमियान में स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो बाय डिलिमिटर पे क्लिक करेंगे, डिलिमिटर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका डिलिमिटर क्या है, इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फिलहाल हमारे पास स्पेस है तो स्पेस को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे स्प्लिट करने के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर यानी कि जो आपका लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर है या सबसे लेफ्ट साइड पे जो पहली स्पेस है या डिलिमिटर है उससे आप करना चाह रहे हैं, जो राइट साइड पे है उससे करना चाह रहे हैं, या ईच अक्रेंस ऑफ द डिलिमिटर या जितनी स्पेसेस हैं उनसे रिलेटेड आप करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूं कि आप जो है लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर पे क्लिक करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दें तो आपका जो कॉलम है वो कॉलम वन और कॉलम टू यानी नेम वन और नेम टू में कन्वर्ट हो जाएगा और नए दोनों कॉलम्स बन जाएंगे। नेम वन को आप एडिट करके कह दें जी ये फर्स्ट नेम है एंड नेम टू इज लास्ट नेम। इस तरीके से आप
फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑफ एम्प्लॉयज को जो कंबाइंड नेम लिखा होता है उसको सेपरेट करके स्प्लिट करके दो डिफरेंट कॉलम्स में प्लेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एफटीई जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है यहाँ एम्प्लॉय टाइप है उससे रिलेटेड अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1.9.9 1.7 ये कुछ उनकी वर्किंग क्राइटेरिया से रिलेटेड जो है उनकी एफटीई को सेट की है। हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि हम इन कॉलम से रिलेटेड एक नया कॉलम बनाए जिसमें हमें कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया देने के साथ कुछ स्पेसिफिक इनपुट देने के साथ कोई रिजल्ट आए जो स्पेसिफिक हम स्पेसिफाइड जो इनपुट दें उससे रेलिवेंट क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे भी जा सकते हैं बट मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं कस्टम कॉलम क्रिएशन पे क्लिक करके आपको बताता हूँ। कस्टम कॉलम क्रिएशन पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टम कॉलम क्रिएशन का पहले नेम दे देते हैं जी। कस्टम कॉलम का नेम क्या होना चाहिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी एम्प्लॉय टाइप और यहाँ पे हम एम लैंग्वेज की एक फार्मूला जो है वो देते हैं एम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो के पावर क्वेरी की एडिटर में यूज की जाती है जो के यहाँ पे हमारा ये जो फार्मूला बार में जो फार्मूला शो हो रहा है ये आपका एम लैंग्वेज की फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे हम एम लैंग्वेज की एक कमांड देते हैं तो उससे रिलेटेड हम कहते हैं जी इफ एफ टी ई इंसर्ट इक्वल टू 1 then full time employee आना चाहिए else part time employee। अब यहाँ पे हमने क्या दे दिया है जी कमांड इफ एफ टी ई इज इक्वल टू 1 अगर जहां पे आपके पास एफ टी ई के कॉलम में 1 आए वहां पे क्या शो होना चाहिए जी फुल टाइम एम्प्लॉय और अगर ये नहीं है तो उसके अलावा कोई भी ऑप्शन आए तो वहां पे आपका पार्ट टाइम एम्प्लॉय शो होना चाहिए। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा राइट साइड पे एम्प्लॉय टाइप का एक कॉलम बन गया जिसमें फुल टाइम एम्प्लॉय और पार्ट टाइम एम्प्लॉय जो हमने कमांड दी थी एम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग ये कॉलम बन गया। अब यहाँ पे इसको मैं एफ टी ई के साथ प्लेस कर देता हूँ तो ये मेरी एम्प्लॉय टाइप को शो करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो हमने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं वो सारे के सारे इधर शो हो रहे हैं। इसके साथ हमारे पास ये गियर का ऑप्शन नजर आता है। इस गियर के ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप अपनी फाइल को चेंज करना चाहते हैं चाहे वो आपकी पावर क्वेरी की है या आपकी जो एक्सेल वर्कबुक की फाइल है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा नेविगेशन पे जाके आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट हेडर पे जाके देख सकते हैं। आप अपने गियर पे क्लिक करके अपने तमाम के तमाम स्टेप्स को चेकआउट कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से उस स्टेप को परफॉर्म किया। तो अब हमारा ये डेटा जो है रेडी टू लोड विद एमएस एक्सेल है और रेडी टू कनेक्ट विद एमएस एक्सेल है। तो अब हम क्या करेंगे सिंपल इज दैट कि हम यहाँ पे होम पेज पे जाके इस पूरे के पूरे डेटा सेट को हम क्लोज एंड लोड पे क्लिक करके इसको एक्सेल की फाइल में लोड कर सकते हैं। तो सिंपली क्लोज एंड लोड पे मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मेरी ये फाइल लोड होने के साथ ही एमएस एक्सेल के साथ कनेक्ट हो जाए। अब अगर आप यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर दूं देख सकें तो ये सारी वो चेंजेस जो हम कर चुके हैं पावर क्वेरी एडिटर में ये सारी की सारी वो शो हो रही है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपका डेटा सेट जो आपने लिंक किया हुआ है उसमें कोई चेंजिंग आए तो हम किस तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके लिए अब आप ये जो इसको मैं अगर जूम इन करूं ये सैलरी वाले कॉलम में फर्स्ट 5 जो सेल्स हैं इनमें चेक करें और इसमें देखें जो थर्ड सेल है इसमें 120,000 जो है सैलरी है। अब इसको अगर मैं जो हमने फाइल लिंक की है मैं पहले उसको ओपन करता हूं। ये मैंने फाइल ओपन कर लिया है। इस फाइल में अगर मैं यहाँ पे 120,000 की जगह पे मैं लिख दूं 150,000 और इसको मैं यहाँ से सेव करके क्लोज कर दूं और इसको इसी सेल में क्लिक करने के बाद क्वेरी पे जाके मैं रिफ्रेश करूं तो रिफ्रेश करने से आप ये देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे 120,000 था अब यहाँ पे 150,000 आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो आपने लिंक की हुई है फाइल आप उस फाइल में जो भी चेंजिंग होगी जब भी आप इस लिंक की हुई फाइल को एमएस एक्सेल में ओपन करेंगे जो आपने लिंक की है पावर क्वेरी के जरिए या अपने कोई भी वर्कबुक के जरिए से तो आपकी रिफ्रेश करने से फाइल जो है ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास ये जो डेटा सेट आता है ये टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा और इस टेबुलर फॉर्म में जो डेटा है इसको आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। जब आपके पास डेटा होता है तो डेटा को एनालाइज करना आपका फर्स्ट स्टेप होता है। तो पावर क्वेरी आपको
डेटा एनालाइज करने में हेल्प आउट करती है। आज के इस लेक्चर में हमने देखा है कि किस तरीके से आप डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए से पावर क्वेरी को यूज करते हुए अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब फॉर मोर।